हेलो, माय नेम इज़ आशीष शर्मा एंड दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ई सी एनालिसिस। तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है, ये जो मैंने सर्किट लिया था, ये कौन सा लिया था? फिक्स्ड बायस वाला लिया था। और इस बार मैंने वोल्टेज डिवाइडर बायस लिया है। हालांकि मैंने समझाया था कि देखो, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो R1 R2 है, इसको जब आप थेवेनिन सर्किट में रिड्यूस करते हो तो एक सिंगल रेजिस्टेंस ही बन जाता है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाता है तो किस तरीके से करना है। बाकी देखो, कॉन्सेप्ट वही रहेगी तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा दोनों चीज़ों के अंदर। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए अपन RE मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, तो फिक्स्ड बायस में क्या होता है, यहाँ पे R2 नहीं होता है, यहाँ पे R1 की जगह RB होता है, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है जिसके अंदर RE के साथ है बाईपास कैपेसिटर है, फिर अपन उसकी भी बात करेंगे जिसके अंदर बाईपास कैपेसिटर नहीं होगा। एक सवाल में वैसा भी बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना रहता है, RE कैलकुलेट करना रहता है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 26 mV डिवाइडेड बाई IE। और ये IE कैसे आता है, DC एनालिसिस से आता है। किससे आता है, DC एनालिसिस से आता है। और DC एनालिसिस वोल्टेज डिवाइडर बायस के अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई बटन पे क्लिक करोगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन IE कैलकुलेट करते हैं, और IE कैलकुलेट करने से अपने पास क्या जाता है, RE आ जाता है। ये काम होता है DC बायस का, DC एनालिसिस का। उसके बाद अपन AC एनालिसिस पे जब आते हैं तो अपन पहले AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। और AC इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर जो हैं वो कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, और जितने भी बैटरी है उन सबको अपन रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, 0 वोल्टेज पे आ जाती हैं वो। तो देखो, ये VCC का मतलब क्या है कि RC पे भी VCC जितना वोल्टेज है और R1 पे भी VCC है। अब मैं जब इसको ग्राउंड करूँगा, इसका मतलब जब 0 कर दूंगा तो इस पे भी 0 हो गया और इस पे भी 0 हो गया, क्लियर है। अब देखो, ये भी तो 0 है, ग्राउंड पे है, 0 पे, तो इसका मतलब ये R1 और R2 क्या है, दोनों पैरेलल के अंदर है, ठीक है। तो देखो, VS RS, R1 और R2, अरे ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो जितने भी एलिमेंट ग्राउंड पे उन सबको आप एक पॉइंट पे कनेक्टेड मान सकते हो। तो आप इसको कैसे मान सकते हो, आप इसको इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड मान सकते हो ना। तो देखो, ये स्ट्रक्चर तो हो गई कहाँ तक, ये वाले स्ट्रक्चर तो हो गई यहाँ तक। उसके बाद अपना ट्रांजिस्टर, ये शॉर्ट क्यों हो गया, क्योंकि देखो बाईपास कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब ये वायर सीधा कनेक्ट हो गया यहाँ, तो करंट सारा इधर से चला जाएगा, तो RE का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे, अब ट्रांजिस्टर को अपन किस तरीके से करते हैं, इसका RE मॉडल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो। तो ट्रांजिस्टर के लिए RE मॉडल कौन सा है, कॉमन एमिटर है, तो कॉमन एमिटर में 1 प्लस बीटा इंटू RE, एंड दिस इज करंट सोर्स। ये R0 क्या हो गया, आउटपुट इम्पिडेंस में हो गया, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट सोर्स का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये वाला जो जंक्शन होता है, बेस इमिटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होता है, तो इसको तो रिप्लेस कर देते हैं लीनियर रेजिस्टेंस मॉडल से। और ये वाला रिवर्स बायस्ड होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन। रिवर्स बायस का मतलब एक कांस्टेंट करंट कंट्रोल सोर्स की तरह काम करेगा, ये कंट्रोल सोर्स की तरह काम करेगा, तो इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल्ड करंट सोर्स के अंदर, ठीक है। करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है, ठीक है। और ये फिर RC देखो, कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो कलेक्टर से कनेक्ट होकर ग्राउंड पे आएगा, तो कलेक्टर से कनेक्ट होकर ये ग्राउंड पे आ गया, और यहाँ पे आउटपुट जो है V0 हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो AC करंट सर्किट हो गया, और ये वो सर्किट हो गया जिसके अंदर मॉडल भी बना दिया अपन ने, मतलब RE मॉडल अपन ने यूज़ कर लिया है। तो अपन वापस से क्या कैलकुलेट करेंगे, वही इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड करंट गेन, वोल्टेज गेन, सब वही कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, इनपुट इम्पिडेंस का मतलब इनपुट टर्मिनल पे, यानी कि यहाँ से आगे जितना भी इम्पीडेंस है। और वैसे अगर आप फॉर्मूले से देखो तो आप VI अपॉन इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। अच्छा, अब देखो, कल भी मैंने जो है प्रॉब्लम में आपको बताया था, डायरेक्ट लिखना है कि भाई इससे आगे नेट इम्पीडेंस कितना है, उतना लिख दो। और मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले से आप लोग करना और फिर कमेंट करना। तो मैं ये देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, कि चाहे मैं कम्युनिटी टैब में कोई क्वेश्चन डालूँ या कभी प्रॉब्लम वीडियो के अंदर मैं पूछूं, आप आंसर या कभी भी टाइप करते ही नहीं हो, है ना। तो मतलब कभी कोशिश किया करो भाई खुद से। मैं प्रॉब्लम इसीलिए देता हूँ कि आप एक बार खुद से सोचो, जब आप खुद के दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे तो ये थोड़ा भी शार्प होगा, ठीक है ना। जब तक चीज़ें बनी बनाई मिलती है ना, जब तक हलवा क्या होता है, बना बनाया मिलता है, सबको मीठा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जिस दिन हलवा बना के खाना पड़ता है उस दिन आता है जोर, है ना। तो भाई थोड़ा किस्मत
किया करो। हालांकि मैं तो बता दूंगा यहाँ पे दोनों मेथड से, लेकिन थोड़ा खुद से भी किया करो आप लोग, है ना। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया भैया कि R1 R2 ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पहले मैं इन दोनों का पैरेलल ले लूँ और फिर इनका जो रिजल्टेंट आए उसको इसके साथ पैरेलल ले लूँ, और यही तो हो जाएगा। इस पॉइंट से आगे जितना भी इम्पिडेंस है वो सब इनपुट इम्पिडेंस है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले मैं R1 पैरेलल R2 निकाल लूँ और फिर इसका भी पैरेलल ले लूँ किसके साथ, 1+β RE के साथ। बोलो ठीक है। तो R1 पैरेलल R2 को आप चाहो तो R' से डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों रेजिस्टेंस को आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। और डीसी बायसिंग में इसको अपन क्या बोलते हैं, आर थेवेनिन बोलते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, ये R1 R2 डिवाइडेड बाई R1+R2। बोलो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद R' ZI तो क्या है, R' पैरेलल 1+β RE। इसका मतलब R' इंटू 1+β RE डिवाइडेड बाई R'+1+β RE, और R' की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो। तो ये क्या आ गया अपना, इनपुट इम्पिडेंस आ गया। चलो मैं रख देता हूँ R' ये रहा R1 R2 अपॉन R1+R2 इंटू 1+β RE एंड डिवाइडेड बाय R1 R2 अपॉन R1+R2+1+β RE। तो अब इजीली आप इसको जो है सोल्व कर सकते हो, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है। और अगर आप और कन्वीनियंटली सोल्व करना चाहते हो तो जो बीटा होता है ये लार्ज होता है, तो आप 1+β की जगह बीटा भी ले सकते हो। तो कुछ बुक्स में क्या होता है, डायरेक्ट 1+β की जगह आपको यहाँ पे बीटा आर ही लिखा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1+β एंड बीटा आर ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा इफेक्ट नहीं लाएंगे वो, ठीक है। तो मैं अब कंप्लीटली सोल्व कर देता हूँ इसको। तो जेड इनपुट इम्पिडेंस कितना आ जाएगा भैया, R1 R2 1+β RE, और ये है भैया R1+R2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे R1+R2 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो R1 R2+1+β RE इंटू R1+R2 एंड डिवाइडेड बाई R1+R2। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और इनपुट इम्पिडेंस कितना आ जाएगा, R1 R2 1+β RE डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस 1+β RE R1+R2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है भैया, इनपुट इम्पिडेंस की आ गई है। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट आपने मेजर किया तब आई, तो मैं इसको बस इतना लिख के छोड़ देता हूँ। आगे ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं मिटा लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जो है और भी चीज़ें बतानी है। अब मैं अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो क्या इस फॉर्मूले से आ जाएगा, बिल्कुल आएगा भाई, आना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट इनपुट करंट है, आगे IB है। तो अब मैं देखो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने कल जो है कल वाली प्रॉब्लम मैंने कहा था कि आप लोग करना, तो आप लोग तो करते नहीं हो भाई, तो मैं ही बता देता हूँ। तो मैं इसको तो मिटा लेता हूँ। और अपन उस फॉर्मूले से करते हैं, अब देखो तो वी इनपुट डिवाइडेड बाय आई इनपुट। तो ये चीज को समझो आप, वी इनपुट कितना होगा, वी इनपुट है यहां पे वोल्टेज इन पॉइंट पे, है ना, ये मतलब सोर्स में से जितना RS मतलब उसके इंटरनल इंपीडेंस पे जितना खर्च हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो इनपुट है, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको R1 के पैरेलल मान लो, R2 के, चाहे इसके, मतलब पैरेलल में क्या होता है, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो इन दोनों में से तो मुझे करंट पता नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा, जबकि मुझे इसमें से करंट पता है कितनी, IB बेस करंट। तो मैं डायरेक्ट इस वाले रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख देता हूँ। दोबारा समझो,
अरे भाई आर वन के क्रॉस वोल्टेज, आर टू के क्रॉस वोल्टेज और वन प्लस बीटा इंटू आर ई के क्रॉस वोल्टेज, सभी के क्रॉस कितना है? वी आई। तो ओम्स लॉ से मैं वी इक्वल टू आई इंटू आर से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें से करंट और इसमें से करंट नहीं पता है, निकालना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा क्या है, मुझे इसमें से करंट पता है तो मैं ये ले लेता हूँ। तो ये लो भाई ले लो, तो ये कितना आ गया, वन प्लस बीटा आई बी इंटू आर ई। बताओ, वन प्लस बीटा इंटू आर तो रेजिस्टेंस हो गया और आई बी इसमें से करंट हो गया, तो ये क्या हो गया अपना, इनपुट वोल्टेज। अब अपने को क्या चाहिए, इनपुट करंट और चाहिए, ये वाली करंट चाहिए, ये वाली करंट चाहिए। तो ये वाली करंट किसके टर्म्स में निकालू मैं, आई बी के टर्म्स में निकाल लूँ, तो दोनों का रेशियो में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास इंपिडेंस बच जाएगी। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तो देखो मैं आर वन आर टू के क्या क्या करता हूँ, कर सकता हूँ भाई, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ ना इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से। अरे ऊपर बना लेता हूँ मैं ये ना, यहाँ भाई मैं आर वन आर टू को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ आर प्राइम से, जो इन दोनों का पैरेलल है। आर प्राइम क्या है, आर वन पैरेलल आर टू है, और यहाँ पे अपना कौन है, वन प्लस बीटा इंटू आर ई है, और ये करंट कितना है, आई बी है, और ये करंट कितना है, इनपुट करंट है। यही बात है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनपुट करंट और आई बी में एक रिलेशन निकालना है, ताकि जब मैं ये रेशियो करूं तो इजीली सोल्व हो जाए। क्योंकि देखो जड़ाई कितना है, वी आई की जगह कितना आ जाएगा, वन प्लस बीटा आई बी अपॉन आर ई, और नीचे कितना है, इनपुट करंट। तो आई बी अपॉन आई आई की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो देखो आर वन आर टू का पैरेलल आर प्राइम लिख दिया और ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा करंट डिवीजन रूल। क्या लगाऊंगा, करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल मैंने बहुत बार बता दिया, आपको दोबारा बता देता हूँ, ये टोटल करंट है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट आर प्राइम में से जा रहा है और कुछ करंट इसमें से जा रहा है। तो करंट डिवीजन रूल से, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आई बी, आई बी कौन से में से करंट है, इसमें से करंट है। तो रूल क्या कहता है, टोटल करंट डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के लिखो, मतलब आर प्राइम प्लस वन प्लस बीटा आर ई, और इनटू किस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसके आगे, मतलब आपको इसमें से चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करो। यही तो होता है रूल, अगर इसमें से करंट चाहिए होता तो इससे मल्टीप्लाई करते, यही तो होता है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में भी कोई दिक्कत है तो अपने सर्किट थ्योरी पढ़ो भाई, है ना, वरना मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे एक ही रेजिस्टेंस है आर वन, ये रेजिस्टेंस है आर टू, और टोटल करंट अगर आई है और आपको आई वन चाहिए, तो आई वन क्या होगा, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू इसमें से करंट चाहिए आई वन, तो दूसरा जो रेजिस्टेंस बच गया उससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ये भी ओम्स लॉ से इजी लिया जाता है, करंट डिवीजन रूल अपने सर्किट थ्योरी में देखोगे तो मैंने वहाँ पे प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया आई बी और आई आई, तो अपने को क्या चाहिए, आई बी अपॉन आई आई चाहिए, तो मैं इसको नीचे भेज दूंगा। तो आई बी अपॉन आई आई कितना आ गया बताओ, आई इनपुट कितना आ गया, आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर प्राइम प्लस वन प्लस बीटा आर ई। बोलो यही होगा, नहीं होगा, यही होगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, तो जेड इनपुट कितना आ गया बताओ, वन प्लस बीटा आर ई, आई बी अपॉन आई आई की जगह आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर प्राइम प्लस वन प्लस बीटा आर ई, ठीक है। मैच करो दोनों सेम है या नहीं है, ये तो मैंने देखो डायरेक्ट लिखा था, और ये मैंने करंट और वोल्टेज से निकाला है, अरे दोनों सेम ही तो हैं। आर वन पैरेलल आर टू क्या है, आर प्राइम है, और ये किसके पैरेलल है, वन प्लस बीटा इंटू आर ई के। तो जब इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये तो आएगा आर प्राइम इंटू वन प्लस बीटा आर ई डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन। तो चाहे आप डायरेक्ट लिखो चाहे आप इन फॉर्मूले से करो, हमेशा आंसर सेम आएगा। ये वाला काम मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, किस बायसिंग करने के लिए, फिक्स्ड बायस वाली में, लेकिन आप लोगों ने किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सीरियस हूँ आप लोगों से, क्योंकि सही लोग सही कहते हैं कि जब फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो लोग कदर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ फ्री है मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो लोग कैसे वैल्यू करेंगे, ठीक है। खैर जब तक चल रहा है चलने देता हूँ मैं। तो भाई देखो एफर्ट डालो, वरना कोई मतलब नहीं है मेरी मेहनत का भी। और जितने लोगों ने कोचिंग की है या आपके आसपास के लोगों ने कोचिंग की, आप उनसे पूछ लेना, एक बार ये लेक्चर दिखाना,
ठीक है ना, और फिर उनसे पूछ लेना कि इससे बेटर पढ़ाते हैं क्या 30,000 या 35,000 रुपये के अंदर। वो कह दें कि बेटर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनपुट इम्पिटेंस। तो आप क्या कर सकते हो, इस इन फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट आप जो है ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो कि हाँ ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल इसके पैरेलल में है। ठीक है, अब अपन चलते हैं आउटपुट इम्पिडेंस पे। तो किस पे चलते हैं, मैं सब मिटा लेता हूँ, आउटपुट इम्पिडेंस पे चलते हैं। देखो आउटपुट इम्पिडेंस किस तरीके से मेजर किया जाता है, पहले बताया था मैंने। आउटपुट इम्पिडेंस के लिए अपन क्या करते हैं, लोड को, जो लोड होता है उसको ओपन करते हैं। अरे जब मैंने आरई मॉडल पढ़ाया था तब समझाया था ना क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, लोड को ओपन कर देते हैं और जो सोर्स होता है सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जो इनपुट इनपुट जो सोर्स होता है आपका, मतलब VS। अब देखो अगर आपने VS 0 कर दिया तो इसका मतलब इनपुट करंट 0 हो गया, इनपुट करंट 0 हो गया मतलब IB 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि IB 0 हो गया। और आपको पता है IC क्या होता है, ये जो IC है ये बेसिकली क्या होता है, βIB। तो इसका मतलब IC भी 0 हो गया। अब ये करंट 0 हो गया, इसका मतलब आपका आउटपुट सर्किट कैसा बनेगा, और ये आपका लोड टर्मिनल है। ये क्या था, आर नॉट, और ये क्या था, आर सी। तो इन लोड टर्मिनल के बीच में देखो क्या है, ये तो ओपन हो गया, हटो हटाओ इसको, तो क्या हो गया, दो रेजिस्टेंस बच गए, दोनों पैरेलल में हैं। तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो गया, आर नॉट पैरेलल आर सी। सोल्व करोगे तो आर नॉट इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस आर सी। और अगर आर सी जो है वो बहुत बहुत बड़ा है आर नोट से, जो कि जनरली, ओ सॉरी, आर नोट बड़ा होता है भैया ना, ध्यान रखना आर नोट बड़ा होता है, स्मॉल आर नोट ये हमेशा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड होता है। कॉमन बेस के लिए तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होता है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी वैल्यू थोड़ी लिमिटेड होती है, किलोम्स में होती है। लेकिन अगर किसी में नहीं दी गई है तो फिर आपको इसको इन्फिनिटी ही लेना है। तो आर नोट क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है आर सी से। तो क्या हो जाएगा, ये जेड नोट इक्वल्स टू आर नॉट बहुत बहुत बड़ा है, इसका मतलब आर नॉट प्लस आर सी को ऑलमोस्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, आर नॉट, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आउटपुट इम्पिडेंस कितना आ जाएगा आपका, कलेक्टर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, कलेक्टर रेजिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोनों केस, आर नॉट पैरेलल आर सी, और अप्रोक्सीमेटेड केस जब आर नॉट बहुत ज़्यादा हाई है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आर सी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आपका इनपुट इम्पिडेंस भी हो गया और आपका आउटपुट इम्पिडेंस भी हो गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए भाई वोल्टेज गेन की बात करते हैं अब। ठीक है, ठीक है भाई। तो वोल्टेज गेन की अगर बात करोगे तो वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, सॉरी, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट और जेड नॉट। और इनपुट वोल्टेज क्या है, अब आप इनपुट वोल्टेज क्या लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने अभी जस्ट ये समझाने के लिए बताया था, इनपुट क्या है, आर वन के अक्रॉस है, आर टू के अक्रॉस है, इसके भी अक्रॉस है। तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है, तो क्योंकि इन दोनों में से करंट मुझे नहीं पता तो मैं इसके रेस्पेक्ट में लिख लेता हूँ। तो कितना है उसमें से, IB(1+βRE). तो यह आ गया आपका इनपुट वोल्टेज, और ये क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो देखो दो केसेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या नहीं है, आपके लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है। तो इसको बोलते हैं अनलोडेड एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं, अनलोडेड एम्पलीफायर। ठीक है, अगर अगर क्या है, अगर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होता तो उसको फिर उस केस में अपन बोलते लोडेड एम्पलीफायर, और दोनों केस थोड़े थोड़े अलग हैं।
तो पहले मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, अनलोडेड के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब जब आपको यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा भैया, डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, तो ये वी नोट कितना आ जाएगा, आई नोट करंट यहाँ पे है ना, तो आई नोट बेसिकली क्या होता है, जब ये लोड अगर यहाँ से फ्लो होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या फिर आप क्या लगा सकते हो, केसीएल यूज़ कर सकते हो, आर नॉट और आर सी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक सिंगल करंट सोर्स से। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखो स्ट्रक्चर को, इसको यहाँ कितना करंट आ रहा है, बीटा आई बी, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ एक किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, इन दोनों के पैरेलल से, और इन दोनों का पैरेलल क्या होता है, जेड नोट, ये आउटपुट टर्मिनल है। अब केसीएल क्या कहता है कि एक नोड पर जितने भी करंट होते हैं उन सब का सम जीरो होता है, अगर इस पे सारे करंट जीरो हैं, एक करंट इधर आया है और एक करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और जो इसमें से फ्लो हो रहा है उसको जेड नोड से जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, मतलब आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप, क्लियर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे टोटल सारे करंट जीरो है, इसका मतलब अगर ये बीटा आई बी है तो ये करंट कितना होना चाहिए, माइनस बीटा आई बी, बोलो हाँ या ना अभी। अरे भाई केसीएल क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट एनी नोड मस्ट बी जीरो, इन दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया भाई जेड नोड से, क्योंकि ये दोनों तो मिलके जेड नोड बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कितना करंट फ्लो रहा है ये मेरे को पता चल जाए तो मैं वोल्टेज निकाल दूंगा, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, केसीएल से। केसीएल कहता है टोटल करंट जीरो होना चाहिए, अगर इधर करंट बीटा आई बी आया तो नीचे कितना करंट जाना चाहिए, माइनस बीटा आई बी जाना चाहिए, तभी तो जीरो होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा आई बी आई नोट की वैल्यू, और जेड नोट एज इट इज। तो आपके पास वी नोट भी आ गया भैया और आपके पास वी आई भी आ गया, तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ कर लेते हैं, दोनों का रेशियो ले लो, माइनस बीटा आई बी जेड नोट डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा आई बी एंड आर ई, बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब देखो आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस बीटा जेड नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अब आपको क्या पता है कि बीटा लार्ज होता है, तो बीटा और 1 प्लस बीटा में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो वोल्टेज गेन कितना आ गया भैया, माइनस जेड नोट अपॉन आर ई, और जेड नोट कितना होता है, ये रहा आर नोट पैरेलल आर सी, और आर नोट बहुत बड़ा होता है, तो जेड नोट कितना होता है, लगभग आर सी के बराबर होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आर सी अपॉन आर ई। तो ये आ गया आपके पास क्या, वोल्टेज गेन, क्या आ गया, वोल्टेज गेन, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, क्लियर है। तो यहाँ से अपने देखो तीनों फॉर्मूले आ गए हैं, किस तरीके से आए मैंने कम्प्लीटली आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आप जितनी जल्दी कोई क्वेश्चन करोगे उतना टाइम बचेगा, और उतना वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को दे पाओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई या नहीं ये मुझे बताना, कल मैंने किसके लिए किया था, फिक्स्ड बायस के लिए किया था, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं था, आज इसके लिए कर दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब अपन नेक्स्ट और कर लेते हैं, कौन सा, लोडेड एम्पलीफायर, कौन सा, लोडेड एम्पलीफायर, मतलब जब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आर एल दिया गया है, मतलब ये किस तरीके से दिया गया होगा सर्किट आपका, ये ऐसे होगा, ये ग्राउंडेड और ये होगा आर एल, तो इस केस में क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी उनकी बात कर लेते हैं। मतलब आप अपन लोडेड एम्पलीफायर को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, लोडेड एम्पलीफायर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कौन रहेगा, आर एल रहेगा, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आओ, क्या इनमें कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे कौन आएगा, आर एल आएगा, बोलो क्लियर है चीजें, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या इनमें से कौन कौन सी चीजें बदलेगी, इनपुट इम्पीडेंस बदलेगा या आउटपुट इम्पीडेंस बदलेगा या फिर
वोल्टेज गेन बदलेगा, और बदलेंगे तो कितना बदलेंगे। तो सबसे चीज पहले देखो इनपुट इम्पीडेंस बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। क्यों, अरे इस रीजन में कोई चेंज आएगा, कुछ भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, तो इनपुट इम्पीडेंस दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे लोडेड रहे चाहे अनलोडेड रहे, क्लियर है। आउटपुट इम्पीडेंस बदलेगा क्या, वो भी नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि अपन आउटपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट ही कैसे करते हैं, क्या सुपर टेक्निक क्या लगाते हैं अपन, कि भैया सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और लोड को ओपन कर देते हैं। अरे जब लोड को ओपन ही कर दोगे तो हट गया, हट गया ना, इसका मतलब ना इनपुट इम्पीडेंस बदला ना आउटपुट इम्पीडेंस बदला, तो भैया कुछ भी नहीं बदला, तो दूसरी चीज भी सेम हो गई। ठीक है, अब बात आती है किसकी, वोल्टेज गेन की। किसकी बात आती है, वोल्टेज गेन की। तो अब बात करते हैं फिर वोल्टेज गेन की है। चलो तो ये फिर मैं मिटा लेता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना आप, नोट डाउन कर लो या तो, और एसी एनालिसिस के नोट्स जो हैं शायद हैं उसमें, लेकिन इतना मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने आईटी जैम के बच्चों को पढ़ाया था वो, तो जब बच्चे सेचुरेट होने लगे थे कि यार सर बहुत हो गया एसी एनालिसिस, अब रोक दो इसको, तो मैंने रोक दिया था बीच में ना। तो जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, फिर इतनी सारी जैसे वोल्टेज डिवाइडर का नहीं मिलेगा आपको, या मैं जो आगे और क्वेश्चन कराऊंगा, या फिर ये लोडेड अनलोडेड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे सेचुरेट हो गए थे, जैम के बच्चे थे भैया ना, और वो जो नोट्स हैं वो हमारे एक जैम के स्टूडेंट के ही बनाए हुए हैं। बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, आईआईटी दिल्ली मिली है उसको फिलहाल फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है लेक्चर जरूर देख लिया करो, कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। चलो तो देखो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस तो नहीं बदला है, लेकिन वोल्टेज गेन बदलेगा, और किस तरीके से बदलेगा अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये सब मिटा लेता हूँ एक बार। तो भैया वही बात है, वही नोडल एनालिसिस लगाओगे, तो अब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है बेसिकली, अगर आई नोट इधर है तो ये नोड है, वही बात है, मतलब इधर मैं कितना मान लूँ, माइनस आई नोट, माइनस आई नोट। तो बेसिकली अब आउट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वोल्टेज गेन, है ना, ध्यान रखनी है ये चीज़। तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, वी नोट इक्वल्स टू माइनस आई नोट RL। अब देखो ये रेफरेंस बुक पे डिपेंड करता है, मैंने डायरेक्टली इसी को नीचे ले लिया, कुछ क्या करते हैं यहाँ पे तो आई नोट RL लिख लेते हैं, लेकिन फिर इसको जब इसके टप्स में बताते हैं तो उल्टा बता देते हैं ना, वही चीज़ है। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया ये नोट ले लो आप, ये दोनों, तो इन दोनों को तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस है यहाँ बना लेता हूँ मैं भैया ना, ये दोनों तो क्या है जेड नोट हो गए ना, अरे ये दोनों तो जेड नोट हो गए ना, और यहाँ करंट कितना आ रहा है IC, ठीक है, और इसमें से जो करंट है ये फ्लो हो रहा है, ये है RL आपका, ठीक है। या फिर अगर आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, यानी कि इस तरीके से ले सकते हो, इसी तरीके से कॉमन लेना, लेकिन मैं जेड नोट ले लेता हूँ, जेड नोट। तो यहाँ पे ये करंट IC है बेसिकली, पिछली बार क्या तार था ही नहीं, तो अगर यहाँ पे IC है तो यहाँ पे माइनस IC हो गया, अरे IC यानी कि बीटा IB। तो आपने क्या किया पिछली कैलकुलेशन में, अरे भैया इधर ये IC आ रहा है तो ये माइनस IC हो गया, और माइनस IC मतलब माइनस बीटा IB। लेकिन इस बार इस नोड पे एक दो तीन ब्रांच हैं, मतलब आप वो वाली टेक्निक यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप इस करंट को कितना मान लेते हैं अपन, आई नोट मान लेते हैं। तो देखो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है पहली चीज़ तो, और वैसे देख लें करंट सोर्स है, देख करंट कैसे जाएगा, नेचुरली ये करंट ऐसे जाएगा यूँ, तो नीचे पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और ऊपर कैसा बनता है नेगेटिव टर्मिनल, इसीलिए यहाँ पे आगे नेगेटिव लिख दिया जाता है। अब तो आप आई नोट में नेगेटिव लगा लो, या फिर जब IC की वैल्यू रखो तब नेगेटिव लगा लो, चॉइस इज योवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ लगा लो चाहे बाद में लगा लेना, एक ही बात है। तो हो गया माइनस आई नोट इंटू RL, क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज। लेकिन अब आई नोट कितना है ये अपने को नहीं पता, नहीं पता ना, तो अपने को कैलकुलेट करना है। पिछले वाले में तो क्या था कि जो आई नोट था ये बेसिकली इसमें से फ्लो रहा था, माइनस IC कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, वापस से करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है भैया, आई नोट इक्वल्स टू टोटल करंट IC है ये, ठीक है, अरे यहाँ पे ये टोटल करंट IC है इन दोनों में से, ठीक है, और आपको इसमें से करंट चाहिए, तो जिसमें से चाहिए उसके अलावा जो बच गया उससे मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों को ऐड करके लिख दो। अरे यही तो तरीका होता है करंट डिवीजन का, ये टोटल करंट है, दोनों रेजिस्टेंस का टोटल करंट है IC,
ठीक है, दोनों का टोटल करंट IC, आपको सिर्फ इसमें से चाहिए एक में से, तो कैसे लेते हैं, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिस रेजिस्टेंस में से चाहिए उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसके अलावा जो बच गया जेड नॉट। क्लियर है चीज? ठीक है, तो भैया यहाँ से अब मैं ये वैल्यू जब यहाँ रखूँगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा आपका, -IC। जेड नॉट क्या है बेसिकली, आर नॉट पैरेलल RC। अरे यही तो था जेड नॉट, ये इन दोनों का पैरेलल, डिवाइडेड बाय जेड नॉट की जगह आर नॉट पैरेलल RC एंड प्लस RL। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है यहाँ तक, आउटपुट वोल्टेज तक? ठीक है, इनपुट वोल्टेज में कुछ बदलेगा ही नहीं, इनपुट वोल्टेज में तो देखो इसके पैरेलल इसके पैरेलल इसके पैरेलल, तीनों के पैरेलल जो वोल्टेज है वो कितनी है, VI। इन दोनों में से करंट पता नहीं है, निकालूं भी क्यों, क्यों क्या जरूरत आ रही है, जब मेरे को इसमें से करंट पता है कितनी है IB और रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस बीटा इंटू RE। तो आउटपुट वोल्टेज आ गई, इनपुट वोल्टेज आ गई, इस IC को भी क्या लिख लूँ मैं, βIB लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि फिर जब मैं वी नोट अपॉन VI करूँगा तो IB से IB कैंसिल हो जाएगा। तो देखो वी नोट अपॉन VI कितना आ जाएगा अब, -β आर नोट पैरेलल RC, ठीक है, IB भी लिख लेता हूँ, चलो बाद में काट देंगे, ये लो पूरा लिख लिया है मैंने ना, आर नोट पैरेलल RC प्लस RL। ये ध्यान रखना भाई ये RL है या RC है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कभी, है ना, ये लो, ये तो किसकी वैल्यू है, वी नोट की, और VI की वैल्यू कितनी है इसके डिवाइड में लिखना है आपको, तो IB into 1 प्लस बीटा RE। तो बोलो किसकी वैल्यू आ गई है, वी नोट अपॉन VI की, या वी नोट लिख दिया और डिवाइड कर दिया VI से, तो ये IB से IB कैंसिल हो गया। आपको पता है जो 1 प्लस बीटा है वो ऑलमोस्ट बीटा के बराबर ही होता है, तो इसका मतलब ये मैं किससे काट दूंगा, इससे काट दूंगा, तब आपका वोल्टेज गेन कितना आ गया, आर नॉट पैरेलल RC डिवाइडेड बाई आर नॉट पैरेलल RC प्लस RL मतलब लोड रेजिस्टेंस और इनटू में RE। तो ये क्या आ गया, वोल्टेज गेन आ गया। अब देखो वहाँ पे टर्म थी क्या RL जैसा कुछ आ रहा था क्या वोल्टेज गेन में, नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज गेन बदला है, वोल्टेज गेन क्या हुआ है, बदला है। लेकिन अगर आप, मैं इसमें एक लिमिटिंग केस लगा दूँ, क्या लिमिटिंग केस लगा दूँ, RL टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये अनलोडेड में तो बदल जाएगा, अरे अगर लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब ओपन सर्किट, ओपन का मतलब वही बन जाएगा पिछले वाला केस, तो मतलब पिछले वाला केस जैसा ही अपना वोल्टेज गेन आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, -RC अपॉन RE, यही था, यही आ जाना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं, तो भैया जो हो गया वोल्टेज गेन आर नॉट, अरे भैया कुछ तो छूट गया, कुछ तो छूट गया, हाँ ये देखो अपन ने RL लिखना भूल गए भैया, यहाँ वी नॉट इक्वल टू कितना था, -I0 into RL, आई नॉट की ये वैल्यू रखी, IC की जगह βIB, जेड नॉट की जगह आर नॉट पैरेलल RC, जेड नॉट की जगह वैल्यू रख दी RL। अरे भैया वी नॉट क्या था, into RL भी तो था, हाँ भाई भूल गए ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ना, ये RL भी तो आएगा यहाँ, अरे समझ में आया या नहीं आया, अरे भैया मैंने करंट को ही लिख दिया, ये तो IC, फिर जेड नॉट कितना था, आर नॉट पैरेलल RC था, जेड नॉट प्लस RL, तो ये RL तुम्हें भूल गया ना, देखो ये है ना, तो ये RL यहाँ पे भी आएगा, मतलब ये RL यहाँ पे भी आएगा। तो अब अपन लिमिटिंग केस लगाते हैं RL टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आर नॉट पैरेलल RC, इसको मैं जेड नॉट लिख लेता हूँ एक बार के लिए, जेड नॉट ठीक है into RL, ऐसे इसको जेड नॉट आर नॉट पैरेलल RC क्या है, जेड नॉट आउटपुट इम्पिडेंस, जेड नॉट प्लस RL और into RE, माइनस जो था आगे वो एज इट इज, ये वाला माइनस। अब देखो RL टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब जेड नॉट प्लस RL को मैं कितना लिख सकता हूँ,
आर एल लिख सकता हूँ। अरे बहुत बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब जेड नोट में कोई इन्फिनिटी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब मैं आर एल लिख सकता हूँ। तो जेड नोट प्लस आर एल को आर एल लिख दोगे तो आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा और वोल्टेज गेन अपना कितना जाएगा, माइनस जेड नोट अपॉन आर ई। वही केस आ गया, नहीं आ गया पिछले वाला, पिछले वाला आ गया ना। तो वोल्टेज गेन कितना आ गया भैया, माइनस जेड नोट अपॉन आर ई। मतलब कौन सा केस आ गया, अनलोडेड वाला आ गया। इसमें भी अगर आप क्या करते हो, जेड नोट क्या होता है, आर नोट पैरेलल आर सी होता है। अगर आर नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसके बराबर आ जाएगा, आर सी के बराबर आ जाएगा। तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, माइनस आर सी अपॉन आर ई। तो आपको क्या याद रखना है कि भैया अगर ये लोड यहाँ पे होता है तो वोल्टेज गेन जरूर बदलता है, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है, आरएल बहुत ज़्यादा है, उस केस के अंदर लोडेड और अनलोडेड की जितनी भी चीज़ें सब सेम हो जाएंगी। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे अपन किसके लिए, जब अपन कैपेसिटर यहाँ पे नहीं लगाएं, जैसे कि मैं एमीटर फॉलोवर का बता दूंगा। ठीक है।